आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। स्वागत है मेरा एक और नए वीडियो में, और तो और एक नए चैप्टर के साथ। तो ये चैप्टर हमारे साइंस के कोर्स का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अलावा, इस चैप्टर के बाद हमारा साइंस का कोर्स कम्प्लीटली कम्प्लीट हो जाएगा टर्म वन का। उसके बाद अपन कोई और सब्जेक्ट ले लेंगे। आई नो मुझे पता है कि थोड़ा बहुत कोर्स जो है ना वो कल वाले मतलब जो चैप्टर है ह्यूमन आई वाला उसमें बचा है, पर उसमें क्या हो गया था, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जो ह्यूमन आई है उसमें जो वो दो पार्ट है ना ह्यूमन आई, जिसमें भी ह्यूमन आई वर्ड आ रहा है या फिर ह्यूमन आई से टॉपिक रिलेटेड है वो नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में। बेसिकली जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। बाकी है ना, बाकी जो वो जो वीडियो है जो स्पेरिकल लेंस वाला जो किसी ने नहीं देखा वो वाला आ रहा है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो वो वाला एग्ज़ाम में आ रहा है। अब इसमें क्या है डिलीटेड है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें देखो दो चीज़ें डिलीटेड हैं। एक तो ये लेंस फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला का जो डाइवरेशन है ना कि वन अपॉन वी वन अपॉन माइनस वन अपॉन यू विच इज दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, ये वाला नहीं आ रहा। और इसमें एक मिरर वाला भी आता है तो वो भी नहीं आ रहा। किधर गया मेरे को मिल नहीं रहा अभी। मिरर फॉर्मूला इन मैग्निफिकेशन ये वाला भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। इससे पहले वेट अ मिनट, देखो ह्यूमन आई के कुछ सॉल्यूशंस बाकी थे वो मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा है कि ह्यूमन आई में है ना 9 तक नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 9 है 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक उसमें नहीं आ रहे, क्योंकि वो सारे जो है वो ह्यूमन आई से रिलेटेड है। बचाते हैं वो क्वेश्चंस जो है उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो है 10, 11 और ये क्वेश्चंस, तो ठीक है ना। तो अपन इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेने के बाद अपन जाएंगे लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे। हाउ टू स्टार ट्विंकल स्टार इमिट। तो इससे पहले मैं बता दूँ उस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन। बेसिकली एक रूम है, ठीक है, दो रूम है, मतलब सेम ही रूम है पर कंडीशंस अलग अलग है। इस रूम में एक लाइट लगी हुई है, ओके। इस रूम में एक लाइट बल्ब लगा हुआ है तो आप इसमें देख पा रहे हो। इसमें नहीं है कोई बल्ब, इसमें एकदम डार्क है, फिर आप इसमें नहीं देख पा रहे, क्यों भाई? रूम तो सेम है, हमारी आंखें भी सेम है, तो लाइट होने की वजह से अपन क्यों देख पाते, लाइट नहीं होने की वजह से अपन क्यों नहीं देख पाते, इसकी क्या वजह है वो अपन, हाँ आपको आंसर पता है पर आप आंसर दे नहीं पा रहे हो, राइट? यस यस यस, मतलब बेसिकली मतलब उसको इंग्लिश में या फिर उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो। यस, हम उसी का आंसर ढूंढने जाएंगे अगले चैप्टर पे। जिनको सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं, अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने मेरे वीडियोज़ देखे हैं और मेरे वीडियोज़ देखने के बाद कुछ बचता ही नहीं है क्वेश्चन आंसर्स जैसा। स्टार इमिट्स देयर ओन लाइट एंड दे ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। स्टार जो है ना वॉर्म से बहुत दूर है और उनको है ना एक पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट जो अपन कहते हैं ना कि उनसे एक लाइट आती है जो हमारे अर्थ के एटमोसफेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब वो लाइट जो अर्थ के एटमोसफेयर में आती है जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बहुत सारे अलग अलग लेवल पर एयर के डेंसिटी के बेसिस पे, तो डिफरेंट लेवल जो होते हैं ना एटमोसफेयर के, वेन द स्टार लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द एटमोसफेयर कम्स टूवर्ड्स अस, तो वो जब कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा लो दिखता है। अब एक्सप्लेन वाई प्लांट्स डू नॉट ट्विंकल। तो अब बता लो कि प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल क्यों नहीं कर रहे हैं, स्टार्स तो कर रहे हैं, प्लैनेट्स का क्या हो गया? तो ऐसा है कि प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर लार्जर इन साइज देन द स्टार एज दे आर रिलेटिवली क्लोजर टू अर्थ। तो ठीक है ना, जो स्टार्स जो है ना वो रिलेटिवली क्लोजर है अर्थ से, इसलिए द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस प्लैनेट्स
produce their brighter or dimmer effect in such a way that the average of brighter and dimmer effect is zero. मतलब वो कहते हैं ना कि उसकी हाईएस्ट 10 है और लोवेस्ट भी 10 है तो बस जीरो हो गया. Why does the sun appear reddish early in the morning? During sunrise, the light rays coming from the sun have to travel a greater distance in the earth atmosphere before reaching our eyes. In this journey, तो क्या होता है ना कि सन जब राइज होते हैं या फिर सन जब अर्थ के ऊपर उनके लिए आ रही होती है तो उसको बहुत टाइम लगता है. तो उन रेस को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और जो उनकी वेव लेंथ होती है ना वो स्कैटर्ड आउट हो जाती है, और छोटी वेव लेंथ से वो बड़ी वेव लेंथ हो जाती है. तो फिर उनका जो कलर होता है ना वो रेड कलर हो जाता है. द रेड कलर इज एबल टू रीच आवर आइज आफ्टर द एटमोसफेयर स्कैटरिंग लाइट, देयरफॉर द सन अपीयर रेडिश इन द मॉर्निंग. अब क्वेश्चन 13, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट. तो ऐसा है कि जो स्काई डार्क अपीयर इसलिए हो रहा है ब्लू के अलावा एस्ट्रोनॉट को, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक आउटर स्पेस है डैट कैन स्कैटर द सनलाइट. एज द सनलाइट इज नॉट स्कैटर्ड, नो स्कैटर्ड लाइट रीच द आईज ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज द स्काई अपीयर्स ब्लैक टू देम. सो ओके ना, अब अपन स्टार्ट करेंगे लाइट वाला चैप्टर. तो लाइट वाला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, है ना. हाउएवर, तो अब फिर अपन है ना डार्क रूम में क्यों नहीं देख पाते. तो लाइटिंग अप द रूम हम देख पाते हैं सारी चीज़ें. तो वॉट मेक्स द विजिबल, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को विजिबल बनाती है, ऐसी क्या चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को अपन को देखने लायक बनाती है. तो ऐसा है कि जब डे का टाइम होता है ना तो सनलाइट जो होती है वो अपन को हेल्प करती है कोई भी ऑब्जेक्ट दिखने में, ठीक है ना. और एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को जो कि हमारी आंखों पे गिरती है. तो जो वो रिफ्लेक्टेड जो राइज लाइट होती है ना जो हमारी आंखों पे गिरती है उससे अपन को पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है. जैसे कि अभी सामने आपके कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, देखो एक बार, तो उसके ऊपर लाइट गिर रही है, ठीक है ना. तो उसके ऊपर किधर ना किधर तो लाइट जो है वो गिरी रही है, राइट. तो उसके ऊपर किधर ना किधर शेडो भी बन रही है, क्योंकि जहाँ पर लाइट है वहाँ पर शेडो भी होती है. तो जिधर से साइड उसकी शेडो बन रही है उस साइड से हमारा ना ब्रेन पता कर लेता है कि ये हाँ अच्छा ठीक है, ये एक इमेज है, अच्छा ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है. सो ऐसा होता है कि जब व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज तो इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना. तो वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो एक जो ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है, जैसे कि वो कोई ग्लास ले लेते हैं अपन, सन ग्लासेस का है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि अपन है ना मतलब देख पा रहे हैं, मतलब उसके आर पार भी देख पा रहे हैं. पर अगर वही ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके जो लाइट को बिल्कुल भी उसके थ्रू पास थ्रू नहीं होने देता है वो ऑब्जेक्ट, तो ऐसा है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो लाइट को पास थ्रू होने देते हैं, तो ठीक है ना. तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें लाइट की फॉर्मेशन होती है, इमेज की फॉर्मेशन होती है, तो वो जैसे कि मिरर है या फिर बहुत सारी चीज़ें, वाटर है, तो ठीक है ना. सो ऐसा है कि हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल हैं, उसमें से एक है लाइट या फिर उसका रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना. तो एक बहुत ही स्मॉल सोर्स जो होता है ना लाइट का, तो वो भी हमको हेल्प कर देता है कुछ कोई भी चीज़ को देखने में. कैनोपी तो देखा ही होगा, कैनोपी में जब हल्की हल्की लाइट की रेज आती है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल होता है. तो जो स्ट्रेट लाइट का जो पाथ होता है ना उसको अपन कहते हैं रे लाइट. ओके, स्ट्रेट लाइट का जो पाथ होता है उसको अपन रे लाइट कहते हैं. रे लाइट इसलिए, और जो लाइट आ रही है, मतलब जो लाइट
लाइट की रे जो आ रही है उसको अपन कहते हैं इंसिडेंट रे, फिर तो रिफ्लेक्टेड रे, डी रिफ्लेक्टेड रे, उनके नाम से पता चल जाता है। ठीक है ना। इन दिस चैप्टर वी शॉल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइट प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। ठीक है ना। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन द नेचर। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये अपन को कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना को टेक आउट करने में हेल्प करेगा। चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन द लाइफ सिचुएशन। तो अब अपन है ना उनको सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में ही नहीं पढ़ेंगे, उनको अपन रियल लाइफ में भी लेके आएंगे कि रियल लाइफ में वो कहाँ हमारे यूज़ में आते हैं और कहाँ नहीं आते हैं। तो अब आता है वही मेन पार्ट चैप्टर का टॉपिक जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स के ना कुछ लॉज होते हैं, वो लॉज है ये, इनको अंडरलाइन कर दो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे यानी कि जिस लाइट से रे आ रही है या फिर जो लाइन बन रही है वो रिफ्लेक्शन के इक्वल्स होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि ये कोई पैनल है, ठीक है, अब यहाँ से अगर कोई लाइट की रे स्टार्ट हुई है तो वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर यहीं पे आनी चाहिए, तब जाके अपन उसको एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट, इसके सिर्फ दो ही पॉइंट है। दूसरा ये है इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम पैनल, सारे के सारे एक सेम पैनल में होते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें तो हम गई भाई लाइट की, अब इमेज कैसे फॉर्म होती है ये बता दो। अच्छा ठीक है, इमेज भी अपन ने आई वाले चैप्टर में पढ़ ली, पर इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है चलो ये बता दो। नहीं बता, आओ देखते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है ना, अगर अभी आपके पास में मिरर है तो मोबाइल को रख दो और मिरर में जाके देखो आपकी शक्ल, और किसी को बुला लो और उससे पूछो कि मेरी शक्ल जैसी मिरर में दिख रही है वैसी असलियत में भी दिखती है या फिर थोड़ी अलग दिखती है। वो कहेंगे एक जैसी दिख रही है, फिर आपके ना थोड़ा ध्यान से देखो, फिर उनको पता चलेगा कि नहीं अलग दिख रही है। यस, मिरर में जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल और रियक्ट दिखती है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कि जो साइज़ है ना उसके वो एकदम इक्वल है ऑब्जेक्ट के। हाँ सही बात है ना कि ऐसा तो है नहीं बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो द इमेज फॉर्म्ड एज, ठीक है, तो एज फार एज बिहाइंड द मिरर, तो मतलब कि वो मिरर के पीछे बनती है इमेज, राइट, मिरर के आगे नहीं बनती क्योंकि मिरर के आगे तो अपन होते हैं। तो जो इमेज है ना वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, बता दिया भाई पहले ही। अब हाउ ओल्ड द इमेज इज बाय व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ करप्ट, अब इमेजेस तब कैसे फॉर्म होगी जब जो रिफ्लेक्टिंग इमेज है वो कर्व्ड होंगे, ठीक है ना। अरे तो जब कर्व्ड सरफेस होंगे ना, जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं शाइनी स्पून का, ठीक है ना, कैन बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्पेरिकल मिरर। The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of surface या फिर एक sphere। तो वो जो mirror होते हैं ना reflecting surface जो spherical होते हैं उनको अपन कहते हैं spherical mirrors। बस क्या इतना ही था क्या spherical mirrors का? अरे नहीं, तो spherical mirrors पे तो पूरा chapter है। तो अब spherical mirrors होते क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ना स्फेरिकल मिरर्स का, वो या तो इनवर्डली कर्व्ड होता है या फिर आउटवर्डली कर्व्ड होता है। तो अब जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो इनवर्ड कर्व्ड होगी या फिर आउटवर्ड कर्व होगी। अगर उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड है तो उसको अपन कहेंगे कॉनकेव, क्योंकि वो एक केव का शेप बना देता है, ठीक है। और अगर उसकी स्फेरिकल सरफेस आउटवर्ड है, कर्व्ड अगर उसके आउटवर्ड है, तो अपन उसको कहेंगे कॉनवेक्स मिरर। द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर इज शोन इन द फिगर 10.1। तो देखो इसको देखने से आपका दिमाग चकरा गया होगा कि ये दोनों ही मिरर तो भाई ऐसे हैं, अब इसमें से कॉन्वेक्स और कॉनकेव कौन सा है। हाँ, ये आपको इसलिए दिया है कि आप इनका कॉन्सेप्ट समझे हो कि नहीं। तो इसमें ऐसा है कि देखो हमको कॉनकेव बारे में के लिए क्या बताया था कि उसके जो स्पेरिकल्स के जो पॉइंट होते हैं ना
वो अंदर की साइड होते हैं। किसकी साइड? इनवर्ड की साइड। तो इसके साइड कहाँ है? इसके अंदर है ना, ऐसे थोड़ी है, नहीं है ना, इसके अंदर है। तो यस, तो ये है हमारा कॉनकेव, और ये कॉनकेवेक्स क्यों है? चलो ये बता दो कि ये कॉनवेक्स क्यों है। तो इसकी जो साइड है ना, वो देखो ऐसे बाहर की साइड से। अब मेरे को पता, पूछो कि बाहर की साइड क्यों भाई, इसके भी तो इधर से अंदर वाली साइड है। नहीं, वो जो है ना, इमेज को समझो यार, क्योंकि एग्ज़ाम में इमेज को बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ऐसा शेड किया हुआ है ना पार्ट, ये उसका मिरर नहीं है, ये उसके पीछे का पार्ट है। और ये जो आगे का जो पार्ट है ना, ये मिरर है। इमेजेस को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो जो लोग यहाँ पे आए कि मैं हंस हंस के पढ़ाऊँगा, मजाक करूँगा, यहाँ पे कोई TMKOC चल रहा है या फिर यहाँ पे कोई बिग बॉस चल रहा है, नहीं, जो लोग यहाँ पे ऐसे पढ़ने के लिए आए, प्लीज़ आप यहाँ से निकल जाओ और उनको भेज दो जो लोग यहाँ पे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आपको कोई पढ़ना है यार, कोई कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा कि मैं मजाक करूँगा। हाँ ठीक है, कभी कभी ठीक चाहे चलता है, पर हर बार नहीं, हर पॉइंट में नहीं। नहीं तो फिर आपको मेरे सिर्फ जोक्स ही याद रहेंगे। मैं मेरी स्क्रिप्ट में जोक्स लिखता ही नहीं हूँ। नहीं तो आपको सिर्फ मेरे जोक्स याद रहेंगे, ना कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट। ऐसे होता है बेसिकली, ऐसे होता है। हमको याद होता है कि हाँ उस सर ने ये जोक मारा था, पर ये नहीं पता कि उस सर ने क्या ट्रिक बताई थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो चलो छोड़ो उन सबको, तो ये सब कुछ हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ में। ओके, अब आ जाओ इस वाले पैराग्राफ में। तो बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्पेरिकल मिरर्स, वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। तो इससे पहले कि हम स्पेरिकल मिरर्स में थोड़ा सा आगे जाएं, उससे पहले अपन कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये जस्ट लाइक दैट है कि एक एडवेंचर पे जा रहे हो और आपको कोई आपके टीचर थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस या फिर थोड़े बहुत कुछ टर्म्स बता रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है उसको अपन कहते हैं पोल, नहीं नॉर्थ पोल, साउथ पोल नहीं, ये कुछ और है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस, यानी कि उन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसको अपन पोल कहेंगे। वो सरफेस पे भी होता है मिरर के ऊपर। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। ठीक है, तब और आगे चलते हैं भाई, क्योंकि ये तो कर लिया अपन ने कंप्लीट। द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ अ मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, और स्फीयर के एक सेंटर होता है, उस पॉइंट को अपन कहते हैं कर्वेचर ऑफ द स्फीयर मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी। देखो ऐसा है कि स्फीयर मतलब कि ऐसा, ठीक है, मतलब ये नहीं है पर फिर भी इसके जैसा। तो इसका पॉइंट कहाँ पे होता है? यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको है ना मैं मिटा देता हूँ। तो ये जो स्पेयर है इसका मैं एक लेंस बना देता हूँ। ओके, सो ठीक है, ये एक लेंस बन गया। तो अब ये जो इसका पॉइंट है ये कहाँ पर है? इसका पॉइंट तो यहाँ पर है, इट मीन्स कि ये इसके ऊपर नहीं है। तो ये जो कर्वेचर का जो पॉइंट होता है ना, जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं, वो इसके सरफेस पे नहीं आता। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अब आ जाओ आप लोग इस वाली लाइन पे, इस वाले पे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर्स फॉर्म्स अ पार्ट, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं ना, वो एक मिरर बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर दैट द डिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पी सी, यानी कि पोल का और जो कर्वेक्चर है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेक्चर। आगे जो टर्म्स आएंगे ना न्यूमेरिकल्स, वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे कि पी सी, अरे यार, कि पी सी इज इक्वल टू द रेडियस, या फिर रेडियस इज इक्वल टू द पी सी। ठीक है, सो थोड़ा बहुत अपन नोट्स भी पढ़ लेते हैं। सो ये रहे वो नोट्स। वैसे तो ऐसा है इसके अंदर कि मतलब बहुत ही कम नोट्स हैं, मतलब हैं तो बहुत सारे नोट्स हैं पर इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स मतलब अपन ने पढ़ा या नोट्स के हिसाब से बहुत कम है। तो लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी
विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये अपन को नई बात पता चली। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट दैट इज स्ट्रे लाइट प्रोपोगेशन। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन द लाइट इज अलाउड ऑन फॉलोइंग अ हाईली पॉलराइज्ड सरफेस सच एज मिरर मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द लाइट थोड़ी बहुत जहाँ रह जाती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कि आई इज इक्वल टू द स्मॉल आर। ठीक है ना, तो अब दिस इज इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्शन सर्फेस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम लाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना ही था। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो इस चैनल